हाय, अक्सर ना मैं देखा है गर्मियों में थोड़ी सी सब्जियों की प्रॉब्लम हो जाती है। हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा आती नहीं हैं, और आती है तो किस किस तरीके से बनाएं, कैसे बनाएं, मन भर जाता है। तो ऐसे में ही ना प्याज अक्सर घर में होता है, शिमला मिर्ची मिलती है, तो मैंने ना मलाई प्याज बनाया है। तो आप इसको मलाई प्याज शिमला मिर्च भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने हल्का ट्विस्ट क्रिएट किया है शिमला मिर्च का। बहुत ईजी है, एक रिचनेस आएगी इसके अंदर मलाई की। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लवर्थिका शो में स्वागत है आप सभी का। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो ये सरसों का तेल है, तो ये अच्छे से गर्म होना चाहिए। गर्म होने के बाद ये अच्छे से ठंडा भी, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आ जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तब तक मैंने यहाँ पे मैश यानी कि एकदम छना हुआ दही लिया है। हम उसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और मैं अभी इसमें नमक नहीं मिला रही हूँ, वो हम बाद में मिलाएंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें मेरे पास है शिमला मिर्च और प्याज। इसको हम हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। मैंने यहाँ पे जो साबुत प्याज लिया है, आप देख रहे हैं ये वाला, इसको मैंने बीच में चीरा लगाया है, और शिमला मिर्च ली है रेड एंड ग्रीन, पर ये ऑप्शनल है, आपको अगर डालनी है तो डालें, आप अवॉइड भी कर सकती हैं, पर इससे इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। इसको हल्का सा ऑयल में टॉस करने से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये स्टर फ्राई हो चुके हैं, देख रहे हैं आप। तो हम इन्हें यह शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैंने निकाल लिया है। अब मैंने दही वाले पोर्शन में मसाले मिलाए थे, वो हम इसमें यहाँ पे पैन में लेंगे, और मेरे को ज़रूरत नहीं है ऑयल की, तो इसी ऑयल में काम हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें जीरा ले रही हूँ, और यहाँ पे दही डालने से पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। ये एक टिप भी है, दही डालेंगे तो दही नहीं फटेगा, डायरेक्ट डालते हैं तो दही फटने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हिलाते हुए दही डालिएगा और इसको अच्छे से मिलाइएगा इस तरह से। मैंने नमक भी पहले इसीलिए नहीं डाला था कि दही, नमक से दही के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मलाई प्याज है तो ये घर की मलाई ली है, और ये मैं अच्छी क्वांटिटी में 2 चम्मच भर के मलाई ले रही हूँ। तो घर की मलाई इजीली अवेलेबल होती है, तो आप घर की मलाई यूज़ करें, वरना बाज़ार में फ्रेश क्रीम मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये सब चीज़ें हल्का सा ये पक चुका है। ये मेरे पास 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ हैं, जिन्हें मैंने कट कर लिया, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। स्टर फ्राई करी हुई प्याज, शिमला मिर्ची, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, हल्का सा मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ले रही हूँ, जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड कर सकती हैं। जस्ट मैंने 1.5 टीस्पून ये मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। मिल्क पाउडर ना एक हल्की सी इसमें स्वीटनेस देगा, और थोड़ा सा इस सब्ज़ी को बैलेंस कर देगा। वैसे तो खैर सारा फ्लेवर मलाई से ही आ जाएगा, लेकिन हल्का सा मिल्क पाउडर ऐड कर देंगी तो वो क्या है, थोड़ी सी स्वीटनेस दे देगा,
और इस सब्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस कर देगा। यहाँ पे मैं सब्जी को 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरीके से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बस लग रहा है गरम गरम चपाती या पराठा मिल जाए सब्जी के साथ। बस लास्ट में इसका लिड हटाएंगे, किचन किंग मसाला डालेंगे। जो अगर आपको गरम मसाले का टेस्ट पसंद है तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मुझे गरम मसाला थोड़ा कम पसंद आता है। और बस हमारा फ्रेश कटा हुआ धनिया, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3, देखिए सब्जी का टेक्सचर एकदम, मलाई ने भी अपना एकदम मावे वाला लुक आ गया है क्योंकि हमने मिल्क पाउडर और मलाई दोनों का यूज़ किया है। थोड़ा सा आधा चम्मच किचन किंग मसाला और नमक, क्योंकि वो हमने पहले नहीं डाला था, आधा चम्मच नमक, बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और लास्ट में ही थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, विच इज़ ऑप्शनल। हालांकि सब्जी में कहीं भी फ्रेश धनिए की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसका एक अपना अरोमा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। वाओ कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये सब्जी, ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और एकदम रिच रॉयल है। गर्मा गर्म चपाती हो या रखा हुआ ठंडा पराठा, आप खाकर देखिएगा, मज़े आ जाएंगे। सीरियसली कह रही हूँ, इस एक सब्जी से आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर से करिएगा।